हाल ही में खबर आ रही है कॉटन कैंडी, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बुड्ढी के बाल कहते हैं। इसको तमिलनाडु, पांडुचेरी और अन्य अलग अलग स्टेटों में इस पर बैन लगाया जा रहा है, क्योंकि फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में पाया गया है एक जहरीला एलिमेंट जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, और उस केमिकल का नाम है रोडामाइन बी। जो हमारी कॉटन कैंडी होती है उस पे जो पिंक कलर होता है वो रोडामाइन बी केमिकल होता है, और लोग कॉटन कैंडी पर इस केमिकल का यूज करके आपकी बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी जानते हैं कि ये रोडामाइन बी केमिकल क्या होता है। रोडामाइन बी एक केमिकल कंपाउंड है। इसका यूज रेशम, कपास, जूत और ऊन को रंगने के लिए किया जाता है। जो प्लास्टिक उद्योग होते हैं उसमें भी इसका यूज काफी किया जाता है, और आप भी खुद अच्छी तरह समझ सकते हैं जो केमिकल इन चीजों पे यूज हो रहा है तो वो खाने पर कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर रोडामाइन बी का यूज डायरेक्टली एनिमल या फिर लोगों की बॉडी पे किया जाए, उसका कारण श्वसन तंत्र में जलन, लीवर को डैमेज कर सकता है, और साथ ही ये कैंसर का कारण भी बन सकता है। इसी वजह से कॉटन कैंडी को अलग अलग स्टेट में बैन किया जा रहा है, लेकिन जो कॉटन कैंडी है उस पर बैन नहीं लगाया है। जो उसको कलर देता है, जिसका केमिकल का नाम रोडामाइन बी है, उस पर बैन लगाया गया है। लेकिन लोगों को आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की आदत बन चुकी है। ऐसे में आपको होना चाहिए, जो भी चीज आप खाने से पहले उसके बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि आजकल लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ नहीं देख रहे हैं, बस आपको खिलाने से मतलब और आपको टेस्ट से मतलब है। इसी वजह से लोग आपको कुछ भी खिला दे रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, और साथ ही अगर जो लोग कॉटन कैंडी को बहुत पसंद करते हैं उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसी ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।